अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। यार नया व्लॉग आ चुका है, एक और नया मार्केट में आपके लिए जो है ना व्लॉग लेके आ गया हूं मैं। यार मेरी फरारी पहले देख लो आप कितनी माशाल्लाह प्यारी है, इस पर मैं आपको पूरा कराची घुमाता हूँ भाई। सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो कर दो यार, ठीक है। अच्छा चलो चलते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। नेक्स्ट व्लॉग पे चलते हैं हम। कबूतर देख सकते हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे कुरंगी में जगह जगह आपको कबूतर ऐसे मिल जाएंगे, जंगली कबूतर हैं ये लोग, सॉरी ये तो ऐसे आपको ना फुटपाथ पे जगह जगह क्या बोलते हैं उसको, इनका जो दाना होता है ना उसको लेके बैठे होते हैं लोग, उसके उनसे आप ख़रीद के इनको दाना डाल सकते हो। इससे आपको दो फायदे होंगे, कबूतरों को दाना मिल जाएगा, आपको सवाब मिलेगा, और वो दाना जो बेच रहा है उसका रोज़गार भी चलेगा, घर चल जाएगा उसका। तो कभी भी आपका मतलब कहीं भी आप कबूतर देखो तो भाई खिला दिया करो, मतलब उनको दाना खरीद के। तो अभी आप देख सकते हैं भाई ये हमारी नदी, जो कि आप बहुत दफ़ा देख चुके हो गए मेरे व्लॉग में, हर तकरीबन व्लॉग में ये नदी जो है ना लाजमी आती है, ठीक है। क्योंकि ये शहर अंदरूनी शहर को जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है हमें, ठीक है। अभी इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे पुल भी बन जाएगा, उसकी भी मंजूरी शायद हो चुकी है। तो क्योंकि बारिशों में जो है ना यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आ गया DHA का रोड CVO जाने के लिए। कराची वालों को पता होगा, कराची से बाहर वालों को पता नहीं होगा शायद, ठीक है। ये वाला रोड है, यहाँ से हम CVO जाते हैं। आगे कोने पे हमें टुल्ले मिलते हैं, वहाँ वो जो है ना हमें रोकते हैं, रोकने के बाद वो हमसे ख़र्चा पानी लेते हैं, चाय पानी लेते हैं, उसके बाद हमें आगे जाने देते हैं लोगों को, ठीक है। डबल सवारी वाले खासकर सिंगल वालों को नहीं रोकते, ठीक है। और ये देख सकते हो आप साइड व्यू, बहुत ही प्यारा ये DHA का रोड है। तो आज मैं आपको यार बताना भूल गया हूँ, मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ आप लोगों को बताना ही भूल गया हूँ। पहले स्टार्टअप में बताता हूँ, बातों में भूल गया हूँ। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ भाई दो दरिया फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। फैमिली भी जा सकती हैं, छड़े भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा व्यू है आपको। अब रास्ता भी दिखाना ज़रूरी है ना, देखो कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं रास्ते में। DHA के अंदर बहुत ही जो है ना नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। आगे जो है बहुत बड़ा जंबो जंपिंग जो है ना बना हुआ है, उसका फ़िलहाल तो 2500 रुपये टिकट है, इसलिए मैं अंदर नहीं ले जा सकता भाई, बाहर से दिखाऊंगा आपको, देख लेना, ठीक है। एक बंदे का 2500 रुपये टिकट है जंबो जंपिंग, लार्जेस्ट जंपिंग है, मतलब वर्ल्ड का ये कह रहे हैं कि लार्ज। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है कितना छोटा है भाई। जंबो जंपिंग वही है यार, ये छोटे छोटे पार्कों में नहीं, एक गुब्बारा टाइप सा बड़ा सा लगा होता है जिसमें एयर जा रही होती है, बच्चे कूद रहे होते हैं, तो ये बड़ों के लिए भी है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा जो है ना जंबो जंबो वर्ल्ड लार्जेस्ट जंबो जंपिंग क्रिस्टल। तो यहाँ से इंटरेस्ट होगा, यहाँ से आगे जाके 2500 रुपये आपको टिकट भरना होगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर का व्यू काफ़ी प्यारा है, मैंने व्लॉग्स देखे हैं लोगों के, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। पर टिकट बहुत ज़्यादा है भाई, टिकट थोड़ा कम कर दो, जंबो जंपिंग वालों थोड़ा टिकट कम कर दो यार, गरीबों को भी आने दो इधर, मिडिल क्लास लोगों को भी आने दो। एक बंदा अगर चार बच्चों को ले आएगा तो वो तो 10,000 यहीं दे देगा, अंदर से खाना पीना भी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए था टिकट इसका। ये जंबो जंपिंग से आप आगे जाओगे तो ये छोटा सा आपको पार्क टाइप सा मिलेगा, काफ़ी अच्छी जगह ये भी बैठने के लिए भी, यहाँ कोई मना नहीं है, आप बैठो खाओ पियो, सिक्योरिटी वगैरह भी सही है, कोई इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं भाई, आगे क्या सीन है। ये चुरंगिया पार्क और आगे जो है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी आ जाएगी, वो बड़े बड़े फ्लैट देखे हैं ना वो आ जाएंगे आगे, जो अक्सर वीडियोस में भी देखे होंगे, और ये वाले तो ये सही मानों में बोलूँ तो अमीरों का फ्लैट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, अमीरों के फ्लैट हैं भाई ये, गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, एक एक फ्लैट करोड़ों रुपए का है, ठीक है। ये जो गरीब लोग जो है ना साइड पर एक फ्लैट रखते हैं ना, ये वो सीन है यहाँ पर। तो बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं, मतलब
देख सकते हो आप, और भी बन रहे हैं, और भी नए नए बन रहे हैं, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे आगे मार्केट वगैरह भी अच्छी सी बनी हुई है। सुपर स्टोर भी है, वहाँ की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि सिक्योरिटी टाइट थी, इसलिए शायद मुझे ये था कि मना ना करते हैं ये लोग। तो चलो चलते हैं भाई आगे, देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। रास्ता तो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, अमीरों का इलाका है ना यार, प्यारा तो होगा ही। रोड वोड देखो भी, ये भी बनने हैं, रास्ते में ब्लॉक वगैरह रखे हुए हैं, ये देख सकते हो साइडों पे जो है ना हरियाली वगैरह भी है बहुत प्यारी। तो मतलब अमीरों का इलाका है भाई, सफाइयाँ सुथराइयाँ सब कुछ होता है, हम गरीबों के इलाके थोड़े ही हैं कि कभी गटर बह रहे हैं और कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो नए आने वाले लोग सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, नया चैनल है, पुराना वाला चैनल छोड़ दिया किसी वजह से, ठीक है, उस पर मेहनत करने में मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए नया चैनल बनाना पड़ गया। ये आप देख सकते हो नर्सरी, पौधों की नर्सरी है ये। तो हम इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल के पास ही पहुंचने वाले हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है देखो यहाँ पे, अगर मेरे ख्याल से तो 30 से ऊपर इसके फ्लोर थे, गिनती लिखी हुई थी, मैंने गिनती किया था तो 30 से ऊपर इसके फ्लोर हैं। ये भी वही जो पीछे फ्लैट गुजरे ना उस टाइप की कोई चीज़ बन रही है। आगे बहुत सारे प्लाटिंग वगैरह भी हो रही है, अमीर अमीर लोग जो है ना बंगले वगैरह बना रहे हैं आगे सीवीओ के बिल्कुल साथ। तो आगे नेक्स्ट व्लॉग में शायद वो नज़र आए आपको। तो ये पूरे जो है ना जहाँ पे किसी ज़माने में जो है बाइकों की रेसें लगा करती थी, गाड़ियों की रेसें लगा करती थी, बाइकों का एक जो है ना अगर मैं गिनती बताऊँ आपको तो 15 से 20 हज़ार बाइक एक टाइम में यहाँ होती थी संडे वाले दिन, ठीक है, मोबाइलें भी घूम रही होती थी और लोग रेस लगा रहे होते थे। उस ज़माने में ब्लॉगर होता तो फिर मैं आपको दिखा देता। तो हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं भाई, ठीक है, यहाँ से आप जो है ना उतरोगे, ऊपर गाड़ी खड़ी करोगे और ये आपका दो दरिया का समुंदर आ गया भाई। बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे हैं, यहाँ फिशिंग भी आप कर सकते हो, फिशिंग का सामान आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, सामने से। वीडियो मैंने बनाई नहीं है फिशिंग वालों की शायद। ये परिंदे जो है ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये परिंदे नजर आ जाए समझो मछलियाँ वहीं पर हैं, ठीक है, मछलियाँ जो है ना खा रहे होते हैं, देख रहे हो नीचे जा जा कर, बहुत ही प्यारा व्यू माशाल्लाह से, बहुत सफाई सुथराई भी है, सही है, मतलब ओके की हालत है। यहाँ भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको कश्तियाँ चलती हुई भी दिखाऊंगा मैं, और ये परिंदे आप देख सकते हो खेल कूद भी रहे हैं और मछलियाँ भी साथ साथ में पकड़ रहे हैं। तो ये है जी दो दरिया का एरिया, ये काफ़ी कराची वाले लोग तो गए ही होंगे, यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों का पता नहीं है, नहीं गए तो भाई जाओ घूमो फिरो मज़े करो, अपना बहुत बहुत याद रखना भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसी का आएगा, उसके बाद कोई दूसरा व्लॉग आएगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब कुछ कर दें दिल माने तो, वरना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।